सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स का प्रोडक्शन एंड इस वीडियो के एपिसोड में मैंने देखा है, आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो रे इफेक्ट या यू बोलो ग्लो इफेक्ट, उसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। ओके, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आपके मोबाइल में न्यूड वीडियो एडिटिंग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो यार ये ग्लोइंग इफेक्ट न्यूड वीडियो एडिटिंग से ही क्रिएट किया जाता है। बट इस वीडियो में मैंने देखा है आप कैपकट से कैसे कर सकते हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले अपने कैपकट एप्लीकेशन को जस्ट आपको ओपन कर लेना होगा एंड यहाँ पे आप ओपन करते हैं समय आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। देन यहाँ पे जस्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको स्टॉक वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से जस्ट आपको एक ब्लैक पेज को जस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा एंड यहाँ से डन कर देना होगा। तो इस तरीके से करके मीन्स यहाँ पे आपका ब्लैक पेज आ जाएगा या यू बोल लो ब्लैंक पेज आ जाएगा। ओके, नाउ ये जो ब्लैक लास्ट में एंडिंग पार्ट है जस्ट इसे हम डिलीट कर देते हैं, कोई काम का नहीं है हमारे, ठीक है। देन इस ब्लैक इमेज को हमें जस्ट इंक्रीज कर देना है जितना टाइम तक मीन्स आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हो, सो उतना टाइम तक आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे 10 सेकंड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा गाना का जो ड्यूरेशन वो 10 ही सेकंड है। ओके, नाउ देन यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको सॉन्ग्स पे क्लिक करना है, मीन्स साउंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम डिवाइस क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपके मीन्स आपके मोबाइल में जितना भी म्यूजिक होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एंड आप उसे जस्ट सिंपली से इस पर क्लिक करके यूज कर पाओगे। ओके, बट एक्चुअली मेरे मोबाइल में क्या है कि कोई सा गाना नहीं है, सो मैं एक कोई वीडियो से जस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, जस्ट सिंपली से एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो में क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे जस्ट आपको जो भी वीडियो से मीन्स एक्सट्रैक्ट करना हो जस्ट उसे आप ऐड कर दो। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आपको एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो जस्ट सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना तो एंड यहाँ पे हमारा जो म्यूजिक है वो ऐड हो चुका है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार जस्ट ऐसा प्ले करके सुन ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा म्यूजिक ऐड हो चुका है एंड नाउ हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट करना। ओके, सो टेक्स्ट ऐड करने के लिए जस्ट क्या करना होगा, वो टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा एंड ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपका लिरिक्स होगा जस्ट उस लिरिक्स को आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने लिरिक्स को यहाँ पे जस्ट सिंपली से ऐड कर लेता। नाउ ये ऐड हो जाने के बाद जस्ट सिंपली से क्या करना, आपको स्टाइल पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से जस्ट आपको अपने कलर को चेंज कर लेना है। देखो यहाँ पे स्टाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर आया था, तो कलर को आपको पिंक सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे इसका जो ये स्पेसिंग दिख रहा है जस्ट इस पर आना है एंड लाइन को जस्ट यहाँ से आपको थोड़ा छोटा कर लेना होगा। ओके, नाउ देन यहाँ पे आपको जस्ट फॉन्ट का एक बटन दिख रहा है, जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद एक कमाल का फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, सो इसे सेलेक्ट कर लेना एंड स्टाइल पे आके फिर से आप इसका मीन्स स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेना, काफ़ी सही रहेगा। ओके, नाउ इसका साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं एंड देन जस्ट यहाँ पे आपको एनिमेशन पे आना है एंड एनिमेशन पे आने के बाद जस्ट आपको इन एनिमेशन में रख लेना है सिंगल शॉट, ठीक है, या सिंगल शॉट या क्या प्रोनाउंसिएशन है यार इसका, छोड़ो वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे है हमारा, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला एनिमेशन। ओके, सो इसे आप ऐड कर लेना एंड इसका ड्यूरेशन को जस्ट आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, वीडियो मीन्स जितना लिरिक्स है उसका आधा से ज़्यादा थोड़ा सा कर देना एंड देन यहाँ पे जस्ट आपको आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको फिर से ये सिंगल शॉट मिलता है, बट उसे यूज करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वेव आउट को यूज कर लो, काफ़ी सही रहेगा मीन्स वेव आउट। तो मैं यहाँ पे जस्ट वेव आउट की तरह गया, हाँ यहाँ पे मैं इसे यूज कर लेता हूँ एंड दोनों का जो ड्यूरेशन उसे आपको जस्ट सेम कर देना होगा, एक पॉइंट पर लाके मीट करवाना होगा। ओके, नाउ देन यहाँ पे जस्ट आपको डन पे क्लिक कर देना है एंड इसे आप यहाँ पे आप प्ले करके सुन लेना कि आपके लिरिक्स के हिसाब से हुआ या नहीं। सो अगर लिरिक्स के हिसाब से ना हुआ मीन्स अगर लिरिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो देन इसे आप यहाँ से कम कर सकते हो एंड अगर लिरिक्स का ड्यूरेशन से कम हो गया देन इसे आप यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो मेरा तो मीन्स लगभग ठीक ही था, तो मैं इसे इतना ही रखता हूँ एंड देन जस्ट हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और इस कॉपी हुए वाले को हमें जस्ट थोड़ा सा आगे करना हो। ओके, नाउ ये आगे जो हमने किया जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट लिरिक्स होगा जस्ट उसे आपको स्टाइल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जस्ट क्लिक करके आप नेक्स्ट लिरिक्स को लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जस्ट आपको अपना लिरिक्स को लिख लेना होगा, स्टार्टिंग वर्ड आप कैपिटल लेटर में लिखो तो काफ़ी सही रहेगा। ओके, जस्ट आपको डन कर देना है एंड इस तरीके से मीन्स यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, वही स्टाइल पे क्लिक करके अपना लिरिक्स को चेंज करना है। ये हो जाने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको कॉपी करना है एंड इसे थोड़ा सा आपको आगे करना है और इस तरीके से करके फिर इस पर क्लिक करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है एंड लिरिक्स को चेंज कर लेना। ओके, सो देखिए और इस तरीके से करके अगर मैं दिखा दे रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, सो मैंने एक पहले से क्रिएट करके इस तरीके का रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मीन्स सारा का मैंने लिरिक्स जस्ट चेंज करके रखा हुआ है। देन जस्ट क्या करना है, इसे आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, सो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना और ये हमारा एक्सपोर्ट होने लगेगा, बहुत ही फास्ट भी होगा अगर आपका मोबाइल अच्छा क्वालिटी का है देन। ओके, देन जस्ट आपको यहीं पर डन कर देना है एंड उसी वाले प्रोजेक्ट को खोल लेना,
नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इन सभी का जो कलर है ना, जस्ट उस कलर को आप यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर लेना। ओके, सो स्टाइल पे क्लिक किया हूँ मैं एंड यहाँ पे मुझे व्हाइट कलर करने का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से करके इन सभी का कलर्स को जस्ट आपको व्हाइट कर देना है। नाउ सभी व्हाइट हो जाने के बाद जस्ट सिंपली से क्या करना, आपको बैक आ जाना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है एंड अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था जस्ट वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, ऐड कर देना है एंड बस इस तरीके से कर देना है। देन उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको एक वीडियो मीन्स इफेक्ट ऐड करना होगा, जिसे ऐड करते हैं आपका ये जो लिरिक्स वीडियो होगा उसमें ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। सो क्या करना है, जस्ट सिंपली से आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा मीन्स स्क्रॉल करना होगा और आ जाना है जस्ट आपको शैडो में है यार हमारा, ठीक है। तो शैडो में आपको जस्ट यहाँ पे आ जाना है एंड शैडो में आने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको एंजल का एक फीचर्स देखने को मिला होगा या यूं बोलो इफेक्ट देखने को मिला, तो इस इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड इसे जस्ट यहाँ पे डन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स हमने इसे ऐड किया है बट फिर भी हमारा ऐड नहीं हुआ इफेक्ट, तो इसे इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना होता है। वो क्या है कि जस्ट आपको इसको पहले सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक कर देना है एंड देन जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है एंड इसे जस्ट आपको ओवरले पे सिलेक्ट कर लेना है एंड नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स इसका इंटेंसिटी उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैं इसका दिखाता हूँ आपको सेटिंग्स में, इंटेंसिटी हमारा कम्पिटी फील है मीन्स 100% बट फिर भी उतना मीन्स अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, जस्ट आपको बैक आ जाना है एंड फिर से भाई ओवरले पे क्लिक करना, तो आप इस मीडिया वाले बटन पे आ जाओगे मीन्स जो पुराना आपका एडेड है एंड इस माने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एडजस्टमेंट पे आना एंड इसका सेचुरेशन को जस्ट आप इंक्रीज कर दो, तो इसका इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज करने से भी बढ़ जाएगा। ओके, सो सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस एंड एक्सपोजर इसे भी क्रिएट बढ़ा के आप ये इसका इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो एंड नाउ आपका ये जो वीडियो क्रिएट हो चुके सक्सेसफुली, देन जस्ट आपको इसे सेव करना है। सो यहाँ पे क्लिक करके इसे आप सेव कर लो एंड सेव करने के बाद जो भी वीडियो पे आपको जस्ट अप्लाई करना है उसे अप्लाई कर सकते हो। सो अप्लाई करने का भी स्टेप मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, तो जरा सा मैं इसे एक्सपोर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। नाउ ये फाइनली हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, तो मैं एक यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जस्ट कोई एक फोटो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं। नाउ फोटो को मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, देन जस्ट क्या करना होता है, हमें यही ओवरले पे क्लिक करना होता है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना होता है एंड वीडियोस पे आके जस्ट अपना वीडियो को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है एंड देन यहाँ पे जस्ट आपको एक स्प्लाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस पे क्लिक करके ये देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर या तो लाइटन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, कम्प्लीटली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से करके मीन्स आप ये लिरिक्स वीडियो क्रिएट कर सकते हो एंड अपने वीडियोज में यूज भी कर सकते हो। नाउ इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।